गणपति महाराज की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मेरा। ये कहना और इसको जीवन में उतारना दोनों चीजें हैं, लेकिन ये उतारने के लिए ही है, और जब इसका अनुभव होता है तो जीवन बदल जाता है। और जैसा पंडित जी के मुख से उच्चरित हुए शब्द पहले, बहुत कृपा है आप सबका, बहुत आशीर्वाद है और साक्षात वरदान है कि आपके दिए शरीर और आपके दी हुई वाणी से, आपके दी हुई जीवा से, आपका ही गुणगान आपके चरणों में बैठकर जीवन धन्य है। जितना भी मुझे आता है आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और जिनको जिनको ये आता होगा भजन अवश्य बोलेंगे, मन और तन से एक साथ होकर जीवन सफल बनाते हुए। सब काम हो रहा है, सबको मालूम है आप ही की कृपा है, आपका ही संसार है, तो सब कुछ आप ही हो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो हाथ नहीं होता, तो इस संसार रूपी सागर में ये जो नाव है अगर चल रही है, ये शरीर रूपी नाव, तो आपकी कृपा से बिना पतवार के चल रही है, इसमें कोई कर्तापन का अभिमान किसी को ना होना ही नहीं चाहिए। Yeah.
आप जिस खजाने से आ रहा है वो खजाना भरपूर रखें। इस पूरे संसार में दो चीजें हैं, एक वो चीजें जो हर क्षण नष्ट हो रही है जिसमें शरीर और ये सारा संसार है, और एक वो चीज है जो कभी नष्ट नहीं होता, वो प्रभु का, प्रभु साक्षात स्वयं ब्रह्म स्वरूप जिसे कहा गया है शास्त्रों में। अब प्रभु जब साथ में आ जाए तो किसी चीज की कमी रहती ही नहीं, क्योंकि हर चीज में एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। तब कहते हैं तुम साथ हो जो तेरे जो मुझे समझ में आता है, हम सभी गुलामी करते हैं इस शरीर से, माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, पति की, पत्नी की, बच्चों की, अपने स्वामी की। लेकिन जब प्रभु पर दृष्टि चली जाती है और जब प्रभु से तार जुड़ जाते हैं, इन सभी की दास्ता से, सभी की गुलामियों से मुक्त करके उसे प्रभु गुलाम बना देते हैं, वो तैरने लग जाता है इस संसार के सागर में। और इसका अनुभव तभी होता है जब हम किसी न किसी रूप में प्रभु से जुड़ते हैं। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, करते हो तुम ही माधव मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है, मेरा से जाती है, शायद किसी का जीवन बदल जाए। जैसे किसी को चाय पिलानी और बात है, किसी को चाय सिखा देनी और बात है कि जब तेरा दिल करे बना के पी लेना। विपत्तियां हम दुख उसे कहते हैं जो हमारे मन के हिसाब से नहीं होता। जैसे किसी का कुछ नुकसान हो जाए, कभी हो ना वैसे, लेकिन अगर किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो उसके शरीर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जिस पे इफेक्ट पड़ता है वही भोगता है, उसी का नाम मन है। मन से ही हम सुखी होते हैं, मन से ही दुखी होते हैं। और जब हमारा चाहा हुआ, हमारा सोचा हुआ जब नहीं होता इस संसार में,
तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी द्वार पर प्रभु की शरण में जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा नाथ, अब आप संभालो, आपके हवाले आपका हूं मैं। तो वहां प्रभु संभालते हैं और संभालने के साथ अगर प्रभु से जुड़ जाएं तो प्रभु संभलना सिखा देते हैं कि आगे बड़ी से बड़ी भी विपत्तियां आ जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो तू अब अडोल हो जाएगा। तभी आते हैं जब हम सुदामा बन जाते हैं। जब तक झोली फैलाएंगे नहीं तो झोली में कुछ आएगा कैसे? जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ उसे दूध भी नहीं पिलाएगी, माँ भोजन नहीं देगी। जब तक इंसान का मनुष्य का बल काम करता है तब तक प्रभु का बल काम नहीं करता। प्रभु ने स्वतंत्रता दी हुई है कि तू चल अपने हिसाब से। जब तू मेरापन छोड़कर मुझे पुकारेगा तभी तो मैं आऊंगा। इसके बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में दिए जाते हैं, अक्सर पंडित जी भी जिक्र करते हैं कि एक बार विष्णु भगवान शैया पर लेटे लेटे, नाग शैया पर लेटे लेटे परेशान हो गए। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि नाथ आप परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि एक मेरा भक्त है जो मेरा ध्यान धरता हुआ वहां से गुजर रहा है जहां पर धोबियों ने कपड़े धोकर सूखने के लिए फैलाए हुए हैं, उनके ऊपर से गुजर रहा है, उसे भान नहीं है कि मैं कहां हूं। जो धोबी है वो उसे मारने के लिए जा रहे हैं, मैं अभी आया उसे बचाकर। प्रभु वहां से गायब हो गए और दूसरे ही क्षण फिर वहां प्रकट हो गए। तो लक्ष्मी माता ने पूछा कि अरे प्रभु इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या रक्षा हो गई? तो उन्होंने कहा कि अरे मैं कैसे जाता, जब मैं वहां पहुंचा तो उसने अपने बचाव के लिए पत्थर उठा लिया था, तो अब वहां मेरा क्या काम। इससे यह है कि जब हम अपना बल प्रयोग करते हैं कभी भी किसी काम को करने के लिए तो प्रभु वहां पर अपने बल का प्रयोग नहीं करते। जब हम निर्बल होकर पुकारते हैं निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम, तो सुदामा के कृष्ण। जब तक त्याग हम नहीं करेंगे, जब तक समर्पण नहीं करेंगे मन से, तब तक प्रभु की शक्ति कहां प्राप्त होने वाली है? प्रभु देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हमारे अंदर रहते हुए भी हमें देखते हैं, कहते थे अपना जोर लगा।
यहाँ सबसे बड़ी लाइन है भगत का सम्मान। प्रभु कहते हैं मुझसे पहले भगत का काम होना चाहिए। जो प्रभु को भक्ति भाव से पुकारता है तो प्रभु अपना आपा छोड़कर उसके लिए पहले पहुंच जाते हैं। जैसे हाथी के लिए जब आए थे मगरमच्छ को पहले उतार दिया, मगरमच्छ का शीश पहले काट दिया, तो हाथी ने पूछा प्रभु आप मेरे लिए आए थे, मेरे से पहले इसका उद्धार कैसे कर दिए? बुलाया तो आपको मैंने था, आवाज मैंने लगाई थी दीन दुखी होकर कि मेरे प्राण बचाओ प्रभु, आप आए मेरे लिए और उद्धार पहले मगरमच्छ का हो गया। तो उन्होंने कहा देख तू मेरा भगत है और इसने तेरे पैर पकड़ लिए थे, जिसने मेरे भगत के पैर पकड़ लिए उसका कल्याण मुझे भगत से भी पहले करना पड़ेगा। ये प्रभु हैं जो भगत की महिमा का गुणगान अपनी वाणी से स्वयं करते हैं। ये हमारे प्रभु हैं जो सबके हृदय में छुपकर और सबकी दृष्टि से सबको देख रहे हैं। हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा से